हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी आ रही है राकेश भाई। तो सबसे पहला तो कल पे सर हमने खूब खूब धन्यवाद करो मांगू थी के गुजर जाते सर। यस, जाल से वादों ने हिंदी जाल से हिंदी आवे तो हिंदी हम को आउट स्टेट से भी यहाँ लोग हैं तो भी सुन सकते अच्छी तरह से। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं कल्पे सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे आज की एनर्जी में बोलने का मौका दिया है। और आज मैं रिजल्ट सर की बात करूंगा तो कोविड का है, कोरोना का जो मेरा खुद का है, तो उसमें जो पिछले महीने अप्रैल महीने में जब मैंने रिपोर्ट निकाला था कि मुझे बहुत 2 दिन बहुत जबरदस्त बुखार आया था, उसके बाद एक तारीख को मैंने 1 अप्रैल में रिपोर्ट निकाला था, कोविड पॉजिटिव बना और रिपोर्ट में आया। तो उसके बाद जब 2 तारीख को मैंने सीटी स्कैन करवाया शाम को, तो देखा तो 20 से 35% कोविड आया मुझे। और 3 तारीख को मुझे तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, मतलब कि मेरा जो ऑक्सीजन लेवल 85 हो चुका था। तो मुझे मतलब मैं दवाखाने में चेक करने के लिए जाता था तो वहां पे बैठ भी नहीं सकता था, और डॉक्टर भी बोलते थे आप ना बोले लेट जाओ और एक साइड पे ऐसे लेटे रहो। उसके बाद मैंने दवाखाने में डॉक्टर के द्वारा अच्छा हॉस्पिटल होगा तो वहां पे जाने के लिए मैं बोला, तो फिर उन्होंने लिम्बाइट में मैं गया और वहां पे एडमिट हुआ और ऑक्सीजन तुरंत लगाया और मेरा खाना टोटली मतलब जैसे मेरा खाने का टेस्ट चले गया था, खाना बंद हो गया था और बहुत ही मतलब गंभीर स्थिति हो गई थी। और मैंने कभी लाइफ में मैंने ऐसा मोमेंटम देखा नहीं था कि मेरे को ऐसा हो सकता है। और ये मेरा रिपोर्ट है कोविड का, जो 20 से 35% कोविड आया था मुझे, ये मेरा रिपोर्ट है। और इसके बाद मुझे तकलीफ ज्यादा हो रही थी, खाना बंद हो गया था और मैं मतलब बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तो इसके बाद सप्लीमेंट ऐसे में ले ही रहा था, लेकिन जब ज्यादा तकलीफ हुई तो फिर मेरे फ्रेंड है उनको मैंने कॉल किया कि भाई मुझे ये सप्लीमेंट ला के दो। तो मैंने वेस्टिस की सप्लीमेंट लिया, रेस्पो केयर, यस कोविड में। हाँ, और स्पिरुलिना। हाँ स्पिरुलिना। और आंवला। हाँ, ये तीनों सप्लीमेंट मैंने 3 टाइम 2-2 लेना चालू किया। 3 टाइम 2-2 लेना चालू किया हॉस्पिटल में ही लेना चालू कर दिया था आपने? हाँ हॉस्पिटल में लेना, वैसे घर पे मैं सारी सप्लीमेंट लेता था लेकिन ये 3 बोतल मैंने तुरंत मंगवा लिया और हॉस्पिटल में मैंने लेना चालू कर दिया। क्योंकि मेरी वो जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था तो मुझे ज्यादा मतलब बॉडी के अंदर जल्दी रिकवरी नहीं आ रही थी। हाँ, जिसकी वजह से ये सप्लीमेंट मैंने 3 टाइम 2-2 लेना चालू किया। हाँ, और रेस्पो के खाना खाने के बाद, यस, और आंवला खाना खाने के बाद और स्पिरुलिना, तीनों मतलब 3 टाइम खाना खाने के बाद लेता था। यस, तो 3 तारीख को मैं एडमिट हुआ था। उसके बाद 4, 5, 6 और मेरा जो 85 ऑक्सीजन लेवल था उसकी जगह पे मेरा 3 दिन के बाद मतलब 4 छोटे दिन में खाना चालू कर दिया था और मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है वो 98 हो गया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छा लगा तब से। और 4 दिन के बाद मैंने मेरा ऑक्सीजन का पाइप जो है उसको निकाल दिया था। Yes. 5वें दिन से मैं घूमना चालू कर दिया हॉस्पिटल में, मैंने इधर उधर थोड़ा बहुत घूमना चालू कर दिया, लेकिन जो मेरा इंजेक्शन का डोज बाकी था ना वो पूरा करने था, इसकी वजह से मेरे को 1 दिन और रुकना पड़ा। उसके बाद मैंने डिस्चार्ज कर दिया, 7 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। ओके, वेरी गुड। और सप्लीमेंट के बारे में तो भाई, हाँ बोले। अब ये चीज बताइए कि कोरोना के बाद घर पे आके जो तकलीफ हुई उसका सॉल्यूशन कैसे आपने किया? दोस्तों ये चीज बहुत ध्यान रखने की बाबत है क्योंकि आपके नियर डियर जो भी हैं शायद हॉस्पिटल से आए हैं और जो तकलीफ अभी भी हो रहे हैं, देखिए राकेश भाई को सुनिएगा तब जाके पता चलेगा कि ये तकलीफ भी कैसे दूर हो सकती है। यस राकेश भाई बताइए। सर कोरोना के बाद जब मैं 10 दिन के बाद घर पे आया, 10 से 8 दिन के बाद घर पे जो आया तो मुझे बहुत ही मतलब वीकनेस महसूस कर रहा था, मतलब के जो मतलब उनको जो हैवी डोज के जो दवाई दी जाती है इसकी वजह से मतलब बहुत ही वीकनेस कर रहा था। और मैं मेरे घर की जो सीढ़ी है ना तो मैं चढ़ नहीं पा रहा था, जैसे चढ़ता हूँ ना मेरी सांस में मतलब बहुत थोड़ा ज्यादा, क्योंकि अभी मैं तुरंत आया था दवा खाने से। उसके बाद जो मेरे घर पे जो सप्लीमेंट थी 8 से 10 सप्लीमेंट थी तो सारी सप्लीमेंट के मैंने डोज डबल कर दिए। यस, और उसको लेना चालू किया तो 2 से 3 के बाद मेरे को बिल्कुल कमजोरी महसूस नहीं हो रही थी। मैं ऊपर नीचे सीढ़ी से ऊपर नीचे जा रहा था तो भी मुझे मतलब बहुत एनर्जी मतलब और सांस में भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी।
और मतलब कम से कम 3 से मतलब 14 दिन के बाद मुझे मतलब कमजोरी बिल्कुल महसूस नहीं करी थी राइट। और मैं मतलब कहीं भी जाता था तो मतलब अभी मुझे मतलब अभी मैं पूरा घूम रहा हूँ। कौन सी सप्लीमेंट आपने फिर शुरू कर दिया था, दो जो डबल डोज किया, कौन सी सप्लीमेंट का किया था? ये तो इसके बाद तो स्पिरुलिना आमला रेस्पोरेट है, कोविड के बाद फ्लैक्स ऑयल भी बहुत ही जरूरी है और बहुत ज्यादा मतलब उसका 3 दिन मैंने रेगुलर लेना चालू किया क्योंकि डॉक्टर बोलते कि जो अपना ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है। राइट। तो 3 टाइम मैंने फ्लैक्स ऑयल लिया, एलोवेरा लिया। कितने लिया था? और मैंने 2-2 चालू किया था। दो अच्छा 3 टाइम 2-2 फ्लैक्स ऑयल, एलोवेरा, एलोवेरा कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम ओके, उसके बाद गेनोडर्मा, गेनोडर्मा ओके, और कौन सा कैल्शियम? ये देखिए सप्लीमेंट्री का जो वो है वो सब दिखा रहे हैं राकेश भाई राइट, अपने वो कबर्ड में कि यस ये सप्लीमेंट लिया है राइट। कैल्शियम, कैल्शियम कितना लिया था राकेश भाई? कैल्शियम भी मैंने 2 ही लिया था। कितना कैल्शियम भी 2 ही लिया था? एक टाइम दो? मैंने 2 टाइम लिया था। दो टाइम कितना? 2 बार सुबह शाम। अच्छा सुबह शाम 2 बार। तो 3 दिन इतना सब लेने के बाद बहुत अच्छा महसूस होने लगा। अच्छा वैसे घर पे आए तो एक वैसे टूट ही गए थे। ओके। और दूसरी एक बात सर। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। अभी 2 दिन पहले मुझे है ना मेरी आंखों में मतलब बहुत ही मतलब लाल पन्ने हो गई। अभी जो नया कोविड का जो एक निकला है कि भाई मल्टीविन करके जो एक है तो उसका बोले ये निकला है तो मुझे थोड़ा सा डाउट गया कि कुछ हो सकता है। हाँ। तो आंख बहुत ही लाल हो रही थी तो मैंने घर पे बताया, मेरी मम्मी को बताया, मैंने बोला आंख बहुत लाल हो रही है। तो फिर मेरे को क्या रहा कि मैं तो अभी कोविड में था तो मैंने बहुत ही दवाई के डोज लिए थे जिसकी वजह से शायद मतलब बॉडी के अंदर गर्मी शायद बढ़ चुकी होगी। उसके बाद मैंने फुटपेड लगाया और 2 दिन फुटपेड लगाया ना तो अभी आंख है ना एकदम क्लियर हो गई, पहले जैसी हो गई, व्हाइट हो गई। और मतलब 5 दिन से फुटपेड लगा रहा हूँ तो बॉडी के अंदर से इतना मतलब ये निकल रहा है ना कि उसका कोई ये नहीं है। और आंखों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले बहुत जलन होती थी अभी कुछ नहीं है और आंख भी मतलब पहले जैसी हो गई है। बहुत बढ़िया राकेश भाई, अब आप क्या कहना चाहते हैं? अब तो यही कहना चाहता हूँ कि कोविड में तो मतलब जो हो रहा है इसमें अगर हम रेगुलर सप्लीमेंट यूज करते हैं तो इससे ये होगा कि अगर कोविड हमको होता है ना तो इससे रिकवरी बहुत जल्दी मिल जाता है। राइट क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है उसके भी फ्रेंड को कोविड हुआ था तो 8-16 दिन से कोविड में है लेकिन अभी तक ऑक्सीजन 90-90 है, 90-90 उससे बढ़ नहीं रहा है। 15 दिन हो गया, 5 लाख रुपया खर्चा हो गया तो अभी भी वहाँ से मतलब उसको छुट्टी नहीं मिल रही है। और यहाँ मैं 4 दिन के बाद मुझे एकदम अच्छा रिजल्ट आया। यस बहुत बढ़िया राकेश भाई, आपने जबरदस्त रिजल्ट शेयर किया और जबरदस्त रिजल्ट लिया। लेकिन एक गलती राकेश भाई आप बता दो कि ये गलती क्या किया था कि पहले सप्लीमेंट लेते नहीं थे इसीलिए सब हुआ, फिर पता चला सप्लीमेंट तो मुझे लेना ही चाहिए। सप्लीमेंट मैं पहले कभी कभी लेता था, कभी कम लेता था लेकिन अभी सप्लीमेंट का मुझे पावर इतना पता चल गया कि अगर ये कोरोना काल में रहना तो सप्लीमेंट रेगुलर और मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है। यस बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जबरदस्त रिजल्ट लिया आपने और जबरदस्त रिजल्ट शेयर किया। देखिए राकेश भाई की बातों से एक चीज नोटिस करें खास कि कोरोना के बाद वहां पे इतनी मेडिसिन दी जाती है राइट, तो बॉडी में कोई तकलीफ नहीं हो इसलिए फुटपेच लगाना बहुत जरूरी है। दवा हॉस्पिटल से आके फुटपेच तुरंत लगा दे ताकि जैसे राकेश भाई ने कहा कि उनकी आंखें लाल होना शुरू हो गई थी राइट, दूसरे जो रोग आ रहे हैं उसमें भी ऐसी तकलीफें होते हैं। तो राकेश हेलो। हाँ जी। और आने के बाद थोड़ा थोड़ा मतलब छाती में भी तो दर्द होने लग गया था लेकिन बराबर 3 टाइम चालू कर दिया तो धीरे धीरे 2-3 दिन में वो भी क्लियर हो गया। ओके छाती में भी दर्द होना शुरू हो गया था क्योंकि घबरा गए थे कि ये नया क्यों हुआ राइट, लेकिन लगाने के बाद इतना टॉक्सिक
टेस्टिंग निकला, इतना वो निकला, तो बहुत कुछ शरीर में ठीक हो गया। तो ध्यान रहे आप ईयर डियर में जो भी हैं शायद हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो फुटपेन तुरंत लगा दे। वैसे स्वस्थ आदमी को भी 3 महीने 6 महीने में एक पैकेट तो लगाना बहुत जरूरी है, तब जाके बॉडी के अंदर से आप टॉक्सिन निकाल सकते हैं, राइट। तो जैसे राकेश भाई ने जबरदस्त रिजल्ट लिया, ये देखिए 3 चीज तो उन्होंने हॉस्पिटल में ही ले लिया था, रेस्पोकेर, स्पिरुलिना, आमला, तो 3 दिन में रजा मिल गई। और वहां से आने के बाद शरीर बहुत टूट गया था, तो ये सभी चीज लेना शुरू कर दिया, तो और 3-4 दिन में बहुत स्वस्थ हो गए राकेश भाई, राइट। तो राकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप लोगों की हेल्थ के लिए जबरदस्त मिशन पे काम करें, ऐसी हम शुभकामनाएं, राइट। तो दोस्तों आप सभी का मे मंथ जबरदस्त